बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द एजुकेटर्स ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। जमात पंजम मज़मून उर्दू लेकर मौलमा मुज़दलफ़ा आज़म हाजिर है। प्यारे बच्चों, आज हमारा उनवान है तख्लीकी लिखाई, जिसका नाम है ईद उल फितर। मज़मून ईद उल फितर। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद मुसलमानों को ईद उल फितर का त्यौहार इनाम के तौर पर मिलता है। ईद का चांद नजर आने के बाद गहमा गहमी शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, बहुत से लोग बाजारों का रुख करते हैं। रात देर तक ईद की तैयारियां जारी रहती हैं। ईद की सुबह सब लोग जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करके नए कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और ईदगाह की तरफ रवाना हो जाते हैं। ईदगाह किसको कहते हैं? जहाँ पर तमाम छोटे बड़े बुजुर्ग ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज ईद अदा करने से पहले सब फितराने की रकम को गरीबों में बांटते हैं। फितराना क्या होता है? जो कि नमाज अदा करने से पहले गरीबों में बांटा जाता है, ताकि वो ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। वो कौन? गरीब अफराद। ईद की नमाज अदा करने के लिए पार्कों, मस्जिदों और खुले मैदानों में इंतज़ाम किया जाता है। सब लोग ईद पढ़कर एक दूसरे से गले मिलते हैं। रिश्तेदारों के घर तोहफे और मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। बच्चों को ईदी मिलती है, बच्चे ईदी लेकर खुश हो जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लुत्फ उठाते हैं। ये त्यौहार अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिसे सब मुसलमान अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। प्यारे बच्चों, घर के लिए आपके लिए क्या काम है? आपने तख्लीकी लिखाई जो आपको करवाई गई है ईद उल फितर, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको अच्छी तरह से याद करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।